तो गाइस फाइनली मैं पहुंच चुका हूं बद्रीनाथ धाम में। बोल बद्री विशाल की। अरे लड़ा मत लड़ा मत। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं भुवनेश। पिछले 5 महीनों से संपूर्ण भारत की यात्रा कर रहा हूं और मेरी भारत यात्रा के अंदर आज आप सभी का स्वागत है नए एक और एपिसोड में। मैं आ चुका हूं बद्रीनाथ धाम, जैसा कि आप देख सकते हो ये, और यहां पर आप देख रहे हो तप्त कुंड। बाकी भीड़ बहुत ज्यादा है यार, बरसात की वजह से देखो कुछ दिखाई भी नहीं रहा। और मेरे साथ है, इनके साथ ज्वाइन कर लिया मुझे भैया भी MP से, दीदी और एक ये भैया जिन्होंने मुझे लिफ्ट दिए। हेलो भैया, जय बद्री विशाल। जय बद्री विशाल लाल की। जय बद्री विशाल। जय हो बाबा केदार। बाकी चलते हैं यार, मौसम बहुत खराब। दोस्तों ये है तप्त कुंड, देखो कितना गर्म पानी है इसमें, बिल्कुल फॉग बन रहा है यार। अरे लड़ा मत लड़ा मत। जय बद्री विशाल की। आराम आराम से चलो, लाइन में लड़ना नहीं है। इतने अच्छे धाम पे आके लड़ रहे हो, सदम आना चाहिए तुम लोगों को। बोल बद्री विशाल की। बद्रीनाथ धाम के दर्शन कर लिए हैं और आप देख सकते हो मेरे पीछे यार, अंदर फोटो खींचना अलाउ नहीं है इसलिए अंदर से नहीं दिखाया। और बाकी भीड़ बहुत ज्यादा है यार, मौसम इतना खराब हो रहा है कि हमेशा बारिश आ रही है। देखो इतनी लाइन लगी हुई है बाहर से। गाइस फाइनली मैं पहुंच चुका हूं बद्रीनाथ धाम, मेरे पीछे आप देख सकते हो यार, और दर्शन कर लिए हैं अच्छे से। अंदर फोटो खींचना अलाउ नहीं इसलिए अंदर से आपको दर्शन नहीं कराए, तो आप बाहर से आप सभी दर्शन कर लीजिए यार। ये देखो बाकी भीड़ देखो, कितने ज्यादा श्रद्धालु लोग आए हुए हैं यार, और मौसम भी अच्छा हो गया। थोड़ी देर पहले तो बरसात हो रही थी, जिस वजह से यार मैंने रेनकोट वगैरह सब डाला हुआ है, लेकिन अब काफी अच्छा दर्शन हो गए, बहुत अच्छे से। ज्यादा भीड़ थी लेकिन ये तो अच्छे से दर्शन हो गए। ये देखो, ये देखो पीछे का मौसम देखो यार, पर्वत ग्लेशियर। ये रहा बद्रीनाथ धाम और इसके जस्ट नीचे है तप्त कुंड, जिसमें नहाने के बाद ही बाबा के दर्शन करने चाहिए, तो आप भी सभी दर्शन कर सकते हो।